वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज हम 2D एरे के कुछ प्रोग्राम जो बच गए थे प्रीवियस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो प्रोग्राम है वो है दो मैट्रिक्स को ऐड करना। जो मेरा यूट्यूब पे पहले से चैनल पे जो लेक्चर पड़ा है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स। प्रोसेस सिमिलर है जैसा आपने करा था, बिल्कुल यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे टू मैट्रिक्स के एडिशन में। थोड़ा चेंजेस हैं, ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर हमने दो 2D एरे डिक्लेयर करे हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, और एक मैंने तीसरा 2D एरे डिक्लेयर करा है सी नाम का, क्योंकि जो ए और बी मैट्रिक्स के हम एडिशन करेंगे उसका रिजल्ट हम रिसीव करेंगे थर्ड मैट्रिक्स में। तो थर्ड मैट्रिक्स हमारी जो है वो सी है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकेंड मैट्रिक्स बी है और थर्ड मैट्रिक्स हमारी सी है। जैसा कि आपको पता है कि 2D एरे के अंदर आप दो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ करते हो डिक्लेयर करते टाइम, तो यहाँ पर हमने ए बी और सी 2D एरे में दो दो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लिए हैं, ठीक है। और दोनों सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर हमने साइज पास कर दिया 20 20। यानी क्या, अगर ए नाम का 2D एरे है तो इसका मतलब 20 रोज और 20 कॉलम मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह से बी में भी होगा, बी नाम के 2D एरे में 20 20 20 रोज 20 कॉलम, इसी तरह से सी में, ठीक है। लेकिन जितनी लोकेशंस हम क्रिएट करते हैं 2D एरे में जनरली हम उतनी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करने के लिए, मतलब 2D एरे जो ए है इसमें एलिमेंट्स इनपुट करने के लिए और 2D एरे जो बी है इसमें एलिमेंट्स इनपुट करने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम रो और कॉलम नाम से कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की हम बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए मैंने दो वेरिएबल लिए R1 C1, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स के लिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे R2 और C2, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। और ये I और J वेरिएबल तो आपको पता है कि अगर आपको 2D एरे के अंदर एलिमेंट इनपुट कराने हैं, 2D एरे और मैट्रिक्स बोथ आर सेम थिंग इन सी लैंग्वेज, मैट्रिक्स या 2D एरे के अंदर अगर आपको एलिमेंट इनपुट कराने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है नेस्टेड फॉर लूप का। और नेस्टेड फॉर लूप के लिए जो आउटर लूप है उसको हम कंट्रोल करते हैं I वेरिएबल से, और जो इनर फॉर लूप है उसको कंट्रोल करते हैं हम J वेरिएबल से। तो सबसे पहला काम इसमें हम ये चेक करते हैं मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले कि कौन सा ऐसा केस है जहां पर मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, या कौन सा ऐसा केस है जहां पर मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइमरी कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो यूज़र से इनपुट करा लिया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, एंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, स्कैनफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ R1 एड्रेस ऑफ C1, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और कॉलम हमने इनपुट करा लिए। सपोज करो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और कॉलम मैंने इनपुट कराए 3 3, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, अगर आप अपनी मर्जी से R1 C1 की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र इनपुट कर रहा है तो यूज़र तो कुछ भी इनपुट कर सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर मान लिया कि R1 C1 की वैल्यू मान लीजिए 3 और 3। इसी तरह से मैंने सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर इनपुट कराया, एंटर ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम थे उसके लिए मैंने दो वेरिएबल लिए थे R2 और C2, तो मैंने वो इनपुट करा लिया R2 C2, उनकी वैल्यू भी मैंने 3 और 3 कंसिडर कर ली। अगर आप कुछ और करना चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ का यूज़ करके मैंने यहाँ पर क्या बताना चाहा कि कौन सा ऐसा केस है जब मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, इफ़ R1 नॉट इक्वल टू R2 लॉजिकल और ऑपरेटर, C1 नॉट इक्वल टू C2, यानी कि भाई ये लॉजिकल और है, और लॉजिकल और में आपको अच्छे से पता है कि लेफ्ट और राइट इन दोनों में से अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसका जो टोटल आउटपुट है यानी कि होल आउटपुट इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो मान लीजिए R1 R2 इक्वल नहीं है, या तो ये ट्रू हो
या C1 C2 की तुलना हो, इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स आप ऐड तभी कर सकते हो जब R1 R2 के इक्वल हो और C1 C2 के इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, R1 नॉट इक्वल टू R2 या C1 नॉट इक्वल टू C2, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, इट मींस मैट्रिक्स एडिशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ, अगर इफ के अंदर ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो सबको पता है कि ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स पे। ठीक है, यानी कि एल्स पे कंट्रोल आने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। भाई इफ की बॉडी के अंदर कंट्रोल जाने का मतलब क्या है, कि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इफ के अंदर कंडीशन फेल हो जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ, कि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। तो आइए देखिए जरा, ये तो आपको पता है कि जब आपने दो मैट्रिक्स इनपुट कराई थी, मतलब दो मैट्रिक्स आपने वहाँ साइज डिक्लेयर करा था, यहाँ पे 20-20 और B20-20 और C20-20, तो जो 2D array A है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 रोज 20 कॉलम क्रिएट हो गए होंगे मेमोरी में, जो B है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 20 रो 20 कॉलम मेमोरी में क्रिएट हो गए होंगे। इसी तरह से केस हुआ होगा C के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने, आपने देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये जो मैंने लोकेशंस बना रखी हैं, जो एरे ए है इसमें केवल 9 लोकेशन बनी है, बी में भी 9 लोकेशन बनी है और सी में भी। ठीक है, वो कैसे 9 लोकेशन बनी है उसको भी डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करा, दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने की प्राइमरी कंडीशन क्या है, कि सबसे पहले आपको दोनों मैट्रिक्स तैयार करनी पड़ेंगी। तैयार करने का मतलब ये कि अभी जो आपने यहाँ पर दो 2D array डिक्लेयर करे थे ए बी और सी, केवल आपने मेमोरी में लोकेशंस क्रिएट करी थी, उन मेमोरी लोकेशंस के अंदर आपने कोई भी एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करे थे। सही है, तो जो 2D array आपने क्रिएट करा था ये मेमोरी लोकेशन तो आपकी क्रिएट हुई थी ए नाम के अंडर, बी नाम के अंडर और सी नाम के अंडर, यानी 20 रोज 20 कॉलम, इस तरह से बी के अंदर, इस तरह से सी के अंदर। लेकिन इन लोकेशंस के अंदर आपने कोई वैल्यूज इंसर्ट नहीं करी थी। वो वैल्यूज आप इंसर्ट कैसे करोगे, वो वैल्यूज इंसर्ट करोगे आप इस लूप की मदद से। ठीक है, और ये मैंने आपको बता रखा है कि 2D array को रन टाइम पे इनिशियलाइज हम कैसे करते हैं, सबको अच्छे से पता है, पर फिर भी मैं एक आइट्रेशन या दो आइट्रेशन आपको बता देता हूँ जिससे आपको एक बार रिवाइज हो जाए। मान लीजिए, देखिए R1 और C1 की वैल्यू आपने 3 इनपुट कराई थी, कि पहली मैट्रिक्स का रो 3 है और दूसरी मैट्रिक पहली मैट्रिक्स का कॉलम 3 है, कॉलम और रो दोनों बराबर है 3-3। तो देखिए लूप कैसे चलेगा, फॉर लूप है जैसा कि आप जानते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा i=0, देन उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी 0<3, कंडीशन ट्रू है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा आउटर फॉर लूप के अंदर, और आउटर फॉर लूप के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आने के बाद ये इनर फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये पूरा एग्जीक्यूट का मतलब ये चलेगा 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 बार, जे की 0 वैल्यू के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। ठीक है, आई के लिए 0<3 है तो उसके लिए लूप चलेगा 3 बार, कंट्रोल नीचे आया 0<3, कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल इनर फॉर लूप के अंदर आया। अब देखिए जरा, जब इनर फॉर लूप के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया तो यहाँ पर देखिए जरा आई के वैल्यू कितनी है, 0, और जे की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि आप यहाँ पर स्कैनएफ के अंदर 2D array की उस लोकेशन का एड्रेस पास कर रहे हैं जिस लोकेशन में जो रो इंडेक्स है वो भी 0 है और जो कॉलम इंडेक्स है वो भी 0 है। तो सीधी सी बात है, जो लोकेशन आपने क्रिएट करी थी यहाँ पर ए नाम के एरे के अंदर, इसका 0 रो इंडेक्स ये वाला दिस वन और 0 कॉलम इंडेक्स, तो इसका मतलब ये किस लोकेशन की बात कर रहा है, ये इस एरे की फर्स्ट लोकेशन की बात कर रहा है, यानी कि इसकी जहाँ पर आपने इंसर्ट क्या कर रखा है, 1। तो रन टाइम पर आप जो भी वैल्यू पास करोगे 1, स्कैनएफ फंक्शन उस 1 को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से 2D array के अंदर आप एलिमेंट रन टाइम पर इंसर्ट करते हैं। आपको शायद ये दोबारा से आपको रिकॉल हो गया होगा, क्योंकि इस पर मैं पहले भी लेक्चर ले चुका हूँ जब मैंने 2D array के बेसिक का लेक्चर लिया था, कि हाउ टू इनिशलाइज 2D array एट रन टाइम। इसी तरह से आपने सेकेंड मैट्रिक्स क्रिएट कर ली, सेकेंड मैट्रिक्स के लिए आउटर लूप चलेगा R2 तक और इनर लूप चलेगा C2 तक, और ठीक उसी तरह से ये वाला लूप चलेगा, और आपकी ये जो दूसरी मैट्रिक्स है यानी कि बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी और बी मैट्रिक्स के अंदर आपने एलिमेंट इंसर्ट कर लेंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद आपको दो मैट्रिक्स की एलिमेंट को ऐड करना है और रिजल्ट स्टोर करना है तीसरे मैट्रिक्स में। तो हमने क्या करा, एक लूप चलाया i = 0,
आई लेस देन आर वन, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन सी वन, जे प्लस प्लस, और यहाँ लिखा हमने सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, तो अब ये जो आपने रिजल्टेंट लूप लगाया है जिसकी मदद से आप ये थर्ड मैट्रिक्स सी क्रिएट कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है कि इसे आप आर वन सी वन तक चलाओ या आर टू सी टू तक, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है, सही है, तभी एल्स के अंदर कंट्रोल आया होगा। और आर वन सी वन तक चलाओ लूप या आर टू सी टू तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल हो ही तभी रहा है जब आर वन आर टू पे इक्वल है और सी वन सी टू पे इक्वल। तो आप आउटर लूप ये आर वन सी वन तक चलाओ चाहे आर टू सी टू तक, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जैसे आप पहले ही ये मैट्रिक्स क्रिएट कर चुके थे, ये जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो एलिमेंट आपने रन टाइम पर इंसर्ट करे हैं ये किस वजह से हुए हैं, ये इस लूप की वजह से हुए हैं। ठीक है, इसको मैं बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस लूप की वजह से हुए हैं। और ये जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में ये जो रन टाइम पर आपने एलिमेंट इंसर्ट करे हैं ये किसकी वजह से हुए हैं, ये इस लूप की वजह से हुए हैं, जो ये लूप आपने आर टू सी टू तक चलाया है। ठीक है, अब आप इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड कर रहे हो और रिजल्ट स्टोर कर रहे हो थर्ड मैट्रिक्स में, तो उसके लिए आपने ए लूप लगाया, दिस वन, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आर वन, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन सी वन। चाहे एक आइट्रेशन करके देख लीजिए, बाकी तो ये लूप ऐसे ही चलेगा। देखिए ज़रा, आर वन की वैल्यू कितनी है, थ्री, सी वन की वैल्यू थ्री है, तो जीरो लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू हुई, फ्लो ऑफ कंट्रोल आया आउटर फॉर लूप के अंदर, फिर इनर फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हुआ, जे की वैल्यू जीरो है और सी वन की वैल्यू थ्री है, तो जीरो लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, आई और जे, यहाँ पर आई और जे दोनों में ही जीरो है, और यहाँ पर भी आई और जे में जीरो और यहाँ भी जीरो है, तो इसका मतलब जो एरे ए है, दिस वन, इसके जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, और जो बी है, बी के जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट आपस में ऐड हुए। और रिजल्ट स्टोर हुआ कहाँ, ये देखिए ज़रा, रिजल्ट स्टोर हुआ जो सी एरे है उसके जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स पे, यानी कि मैं आपको एक बार मेमोरी लोकेशन से समझा देता हूँ, उस लूप की मदद से क्या हुआ होगा, ये सी मैट्रिक्स आपकी तैयार हुई होगी। कैसे भाई, देखिए ये जो एरे ए है इसके जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स पे क्या पड़ा है, इस पे वन पड़ा है, दिस वन, देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, और जो बी है, बी के जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स पे क्या पड़ा है, टेन। तो हमने क्या करा, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करा है, और जो थर्ड मैट्रिक्स है उसके जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स पे वो एलिमेंट हमने कॉपी कर दिया ऐड करके, तो वन प्लस टेन कितना हो गया, इलेवन। ठीक, अब इसी तरह से ये जो रिजल्टेंट लूप है, दिस वन, ये लूप आप पूरा आइट्रेट करके देख लीजिए, पूरा रन करके देख लीजिए, उससे होगा क्या, जो आपकी ये थर्ड मैट्रिक्स है सी, दिस वन, ये आपकी सी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी पूरी। इसमें आपने ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको बी एलिमेंट, बी के एलिमेंट से ऐड करा और फाइनली स्टोर कर दिया सी में। ठीक है, और ये जो आपका लूप है, मैंने लास्ट ये जो लूप लगाया है, दिस वन, ये मैंने सिर्फ लूप लगाया इसलिए कि जो आपकी थर्ड मैट्रिक्स आपकी तैयार हो गई है सी मैट्रिक्स, अब उसको आपको डिस्प्ले भी तो करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो सी मैट्रिक्स है उसमें ए और बी का सम आया भी है या नहीं। तो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए आउटर लूप चलाया आर वन तक, इनर लूप चलाया सी वन तक, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटाइल टी बैक स्लैश टी। ये बैक स्लैश टी हमने इसलिए लिखा है कि दो एलिमेंट्स के बीच में गैप क्रिएट हो। देखिए ज़रा, ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स प्रिंट होंगे 11, 13, 15, अगर मैं बैक स्लैश टी नहीं लगाऊँ तो 11 से ये जो 13 है ये जस्ट अटैच हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, ये सेम ही एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ करा है बैक स्लैश टी, और उसके बाद ये जो मैंने ये इनर लूप ख़त्म होने के बाद बाहर लिखा है प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, वो इसलिए कि मैट्रिक्स की जो नई लाइन है वो अगली लाइन से प्रिंट हो। अगर मैं ये प्रिंट एफ बैक स्लैश एन नहीं करता हूँ तो उसका उसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि 11, 13, 15 इसके आगे से ही ये प्रिंट हो जाएगा 17, 19, 21। तो आपको ये ऐसा अपीयर होगा कि हमारी मैट्रिक्स प्रिंट नहीं हो रही, हमारा तो वन डायमेंशन एरे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर आपको प्रिंट करानी है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में तो आप इस तरह का लूप लगाते हो। हालांकि ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 2D एरे के एलिमेंट्स कैसे प्रिंट होते हैं, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं।
तो बड़ा सिंपल है मैट्रिक्स एडिशन, कुछ नहीं है इसमें। जिसने मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D एरे का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी के लिए थैंक यू।